हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैं आपको गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। बनारसी फैब्रिक में से गरारा तैयार करेंगे, जिसको किम खाप गरारा भी कहा जाता है, या आप इसको लखनवी गरारा या बनारसी गरारा भी बोल सकते हो। आज हम इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने बनारसी गरारे के लिए ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, 2.25 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, और ये लेस ली है सी की सीक्वेंस लेस। आप इसकी जगह एम्ब्रॉयडरी लेस का भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनारसी फैब्रिक लिया है, 5 मीटर कपड़ा है बनारसी। तो सबसे पहले अब मैं आपको इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसके हम मेजरमेंट देखेंगे। तो लाइनिंग में से सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गरारा है उसकी टोटल लेंथ है 42 इंच। तो इस तरीके से 2 पार्ट में यहाँ पर हमारी कटिंग होगी। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा नीचे वाला बॉटम हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट की लेंथ रहेंगी 20 इंच और नीचे वाले पार्ट की हम लेंथ लेंगे 22 इंच। टोटल लेंथ है 42 इंच और थाई है हमारी 15। लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है और इसमें से यहाँ पर हम कट करेंगे। 20 इंच हमारी ऊपर वाले पार्ट की लेंथ है और इसमें से 2.5 इंच उसमें ऐड करेंगे। इलास्टिक को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है 22.5 इंच। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी 4 फोल्ड कर लिया है, लेंथ का निशान लगाएंगे। ट्वेंटी इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद क्रोचेरी की लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि आसन की लंबाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर मैं आसन ले रही हूँ 16 इंच का, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर थाई की जितनी फिटिंग होती है उतनी इसकी चौड़ाई लेनी है, और कमर की फिटिंग का यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है। उससे लूजिंग देंगे 3.5 इंच की। यहाँ पर आगे हमारा बाकी 2 इंच यहाँ पर बच रहा है, तो ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और दोनों ही निशान को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किसी यहाँ पर गोलाई देंगे और नीचे की साइड यहाँ पर आपको जितना लूज रखना है, यहाँ पर फिटिंग का जैसे भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरी 13 इंच और 1 से 1.5 इंच यहाँ पर लेंगे मार्जिन का। इसके बाद हमारे यहाँ पर आसन वाले निशान से इस तरीके से इसको मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो हम फैब्रिक की विड्थ लेते हैं उसका बहुत ही इजी तरीका है, जितनी आपकी थाई की फिटिंग हो उसमें 2 इंच प्लस कीजिए, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी आपको यहाँ पर लेनी है, और फिर 10 इंच का निशान लगाइए और उसमें 3 से 3.5 इंच तक उसमें लूजिंग दे दीजिए। इसके बाद मैंने ये बनारसी फैब्रिक लिया है, इसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से 2 फोल्ड था और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसकी लेंथ भी यहाँ पर मैंने 22.5 इंच ली है और इसकी विड्थ लेंगे 15 इंच। अब यहाँ पर जो हमने लाइनिंग की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारा जो ऊपर वाले पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है और ऊपर से जो फोल्डेड है इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गरारे के दोनों ही पार्ट के कटिंग हो चुकी है ऊपर वाले। अब इसके नीचे के जो फ्रिल वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो बाकी के का जो कपड़ा है उसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है लेंथ वाइज। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पैंचों की फ्रिल इसमें से कट करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 4 फोल्ड हो चुका है। अब हम इस पर से फ्रिल कट करेंगे।
जो हमारे गरारे के नीचे वाली फ्रिल होंगी उसको कट करनी है। 22 इंच यहाँ पर रेडी है, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे से फोल्ड में जाएगा और ऊपर की साइड भी यहाँ पर हमें 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। 1 इंच नीचे की साइड फोल्ड करेंगे उसमें चला जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 23.5 इंच का, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे इसकी लेंथ का। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 23.5 इंच की लेंथ का यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लिया है और इस तरीके से हमारे यहाँ पर कट चुका है। और ये वाली जो फोल्ड था इसको भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों पैचों की जो नीचे की फ्रिल है वो कट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ ली थी 23.5 इंच और इसकी विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी आ रही है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 41-42 के करीब यहाँ पर आनी है, यानी कि एक पैंचे में 2 मीटर फैब्रिक लग रहा है। तो अब हम इसकी लाइनिंग के फैब्रिक कटिंग करेंगे। जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक था मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फोल्ड हो गया। नीचे की साइड इस पर किनारी मैं लूंगी तो इसको फोल्ड नहीं करूंगी। इसकी चौड़ाई आ रही है 21.5 इंच के करीब और इसकी लेंथ आ रही है 15.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है हम उसको हमेशा कम रखते हैं लेंथ में मेन फैब्रिक से, नीचे की साइड इस पर किनारी है तो मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी। अगर आपको फोल्ड करना है तो आपको उसकी लेंथ एक्स्ट्रा लेनी होगी। तो इस तरीके से इसको कट कर लेंगे ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर हमारे दोनों पैचों के लाइनिंग का फैब्रिक भी कट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसकी बैक साइड पर हम लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगाकर लाइनिंग के फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसके नीचे की जो फ्रिल है हमारा बॉटम है उसको रेडी करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाली साइड से यहाँ से तो हम इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड यहाँ पर हम इस पर गैदरिंग करनी है। तो गैदरिंग किस तरीके से करनी है और लाइनिंग के फैब्रिक पर भी हम यहाँ पर गैदरिंग करेंगे, तो सिंपल मशीन से किस तरीके से करेंगे आप वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लंबी चाल से सिलाई लगानी है इस तरीके से। ऊपर वाली साइड यहाँ पर एकदम लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे। अगर आप बारीक चाल से सिलाई लगाओगे तो गैदरिंग के वक्त धागा टूट जाता है, तो इस तरीके से हमेशा आप इसको लंबी चाल से सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर एकदम लंबी चाल से सिलाई लगा ली है। इसके बाद लाइनिंग के फैब्रिक पर हम बिल्कुल इसी तरीके से एकदम लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऊपर की साइड इस पर सिलाई लगानी है, उसके बाद हम इस पर गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक धागे को यहाँ पर पकड़ेंगे और हल्का हल्का इस तरीके से खींचते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमें गैदरिंग कर लेनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी हम यहाँ पर इस तरीके से एक धागे को पकड़ेंगे और ऐसे ही हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ पर हमें गैदरिंग करनी है। ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि धागा टूटते ही हमारी इस तरीके से गैदरिंग नहीं होंगी। तो आपको हल्का हल्का इस तरीके से करते हुए यहाँ पर गैदरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर गैदरिंग कर ली है दोनों ही पार्ट पर। अब यहाँ पर हम इसको अपने ऊपर वाले पार्ट से अटैच करेंगे। तो हमारे यहाँ पर फ्रिल जो है वो एकदम रेडी है। तो उसके बाद मैंने ये ऊपर वाला पार्ट लिया है। अब ये हमारी नीचे वाले जो फ्रिल है दोनों की राइट साइड को फेस करते हुए रखना है इस तरीके से।
दोनों की राइट साइड दूसरे को फेस करती हुई बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तीनों को बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से किमखाब गरारे को घर पर ही तैयार कर सकते हो, जो काफ़ी ट्रेंड में इस टाइम चल रहे हैं, बनारसी किमखाब गरारा। ये बहुत ही आसान तरीका है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करने का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस पर इसको अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा जो गरारा है नीचे की साइड्स की फ्रिल एकदम यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की सीक्वेंस लेस ली है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी तरीके लेस लगा सकते हो। काफ़ी अलग अलग और काफ़ी यूनिक से पैटर्न आजकल लेस के ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहे वो सीक्वेंस में हो या एम्ब्रॉयडरी हो। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी बारीक लेस का यूज़ करती हूँ, आप यहाँ पर थोड़ी चौड़ी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेस लगने से इसमें एक अलग ही टेक्सचर नज़र आएगा और काफ़ी अच्छा लुक इसमें आएगा। तो यहाँ पर हम इस पर ये लेस अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लेस पर एक सिलाई लगा ली है और एक सिलाई आगे की साइड लगाएंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर लेस मैंने अटैच कर ली है। अब हम इसको नीचे की साइड से इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पर नीचे की साइड भी लेस लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर इसको बारीक फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। आप इसको नीचे की साइड से फोल्ड करने के अलावा यहाँ पर लेस भी लगा सकते हो, जिससे इसमें एक अलग ही और अच्छा लुक इसमें नजर आएगा। तो यहाँ पर पूरे को मैं नीचे की साइड से इसी तरीके से बारीक फोल्ड कर लूंगी। तो नीचे की साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और लेस लगने से इसमें काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको इसका एक पार्ट तैयार करके दिखाया है, उसी तरीके से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक पार्ट लेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पर ओपन करके रखेंगे, और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करती हुई हो। और यहाँ पर आसन पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, दोनों की राइट साइड यहाँ पर मिला के रखी है और यहाँ पर आसन पर सिलाई लगाएंगे। आसन पर यहाँ पर आपको अच्छे से डबल करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी आसन पर हम यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम यहाँ पर एक साइड लगाई थी। अब इनको इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे की साइड से यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे, और यहाँ पर जो ये आसन वाली साइड है यहाँ पर जो मार्जिन का फैब्रिक है दोनों को एक दूसरे की
अपोजिट साइड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की साइड से स्टिचेस को पकड़ना है और दोनों पैंचों पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आसन पर एक अपनी साइड रखना है और एक दूसरी साइड। इससे क्या होता है, जो हमारा आसन में काफ़ी बार क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है कि आसन में खिंचाव आता है, तो इस तरीके से अगर आप मार्जिन के फैब्रिक को रखोगे तो उससे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऊपर के साइड से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इलास्टिक लेनी है और उसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको शरारे के इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे और फैब्रिक से इसको कवर करेंगे। हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इलास्टिक को कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच अंदर की साइड करेंगे और इलास्टिक को कवर करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर इलास्टिक के एकदम बीच में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी इलास्टिक एकदम यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगी अच्छे से। इस तरीके से आगे से और पीछे से खींचते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक पर सिलाई लगाने के बाद हमारा गरारा एकदम तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इलास्टिक पर भी सेंटर पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा बनारसी किम खाप गरारा एकदम तैयार है। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से घर पर गरारा की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। जिस पर मैंने यहाँ पर इस तरीके शॉर्ट कुर्ती इस पर तैयार की है बॉर्डर के साथ। यहाँ पर मैंने इसके स्लीव्स पर और दामन पर इस तरीके का बॉर्डर तैयार किया है, जो इसको और भी ज़्यादा हाईलाइट और स्टाइलिश लुक देंगी। अगर आप इस और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है हमारी जो ऊपर की कुर्ती है यानी कि शर्ट की, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ खुद ही जल्द शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये किम खाप गरारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये गरारा कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।